हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। मैं हूँ आपके साथ काजल चंदेल। आपको बता दूं कि फरीदाबाद के साथ एक ऐसा व्यवहार हो रहा है जिसे अगर सौतेला कहे तो कुछ गलत नहीं होगा। हमने काफी नाम सुना अंबानी का, अडानी का, लेकिन अब एक चीज और सुन लीजिए कि रातों रात फरीदाबाद में कुछ ऐसा हुआ जिसने आम जनता की जो जेब है उस पे भारी जो है प्रहार किया है। आपको बता दूं कि देखिए, अडानी गैस पंप पे खड़ी हूँ और यहाँ की जनता से एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहेंगे। देखिए, जब चुनाव होते हैं तो कई सारे वादे इरादे जो सरकार है वो करती है, आगे आइए, जो करती है वो जनता से, लेकिन अब जब चुनाव हो चुके हैं उसके बाद जो है प्राइस बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, प्राइस से खुश हो? अरे कहाँ, रोज बढ़ा रहे हैं प्राइस तो। क्या बोल रहे हैं, प्राइस तो रोज बढ़ रहे हैं, रोज बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है पैसे ज्यादा है आपके पास। अरे नहीं, पैसे कहाँ, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अरे चलिए, और लोगों से एक बार जानते। देखिए, अगर रेट की बात करूँ तो रातों रात तकरीबन 5 रुपए का जो अंतर है वो आया है। एक बार प्राइस मैं आपको दिखा देती हूँ, इधर आइए, इधर से आ जाइए। भैया क्या कहोगे, शक्ल पे बड़ी परेशानी। हाँ जी, परेशानी तो रहेगी, रोज की रोज बढ़ ही रही है सीएनजी। 77 रुपए पहुँच गई सीएनजी, 77 रुपए पहुँच गई। देखिए प्राइस बता दूं आपको कि 76.99 रुपए जो पहुँच गए हैं, और इससे पहले जो है 71.99 रुपए थे। जी, जी, जी। तो 5 रुपए का पूरा गैप आया, 5 रुपए का। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने कहा कि सौतेला व्यवहार, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो अभी दिल्ली में 60.81 रुपए जो है वो सीएनजी के प्राइस चल रहे हैं। एक बार जानते हैं, क्या कहना चाहोगे भैया, खुश हो? देखो जो महंगाई तो बढ़ गया, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। महंगाई तो बढ़ रहा है, महंगाई से कमाई भी तो बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ रहा है तो कमाई भी तो बढ़ रहा है मैडम जी। अच्छा, मतलब खुश हो, कोई फर्क नहीं? मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हो। हाँ, मैं खुश। बहुत पैसे आपके पास? पैसे की बात नहीं है, सब समय से ठीक चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं किसी का। अच्छा, अब ऑटो वाले कहते हैं इनकी भी तो कमाई बढ़ रही है। अच्छा, यहाँ 5 बढ़ रहे हैं, बढ़ाते किराया सवारी का, बढ़ा रहे किराया ऑटो वाले। भाई मैं कहाँ बढ़ाने का बता, ऑटो वाले भाई मैं, तू दे रहा हूँ, बोला बॉर्डर के 40 रुपए तू दे रहा हूँ, कह रहा हूँ बहुत बढ़िया, सही कह रहा हूँ, झूठ बोल रहा है, वो सवारी होएगी ऑटो वाले। तुम बताओ भैया, खुश हो प्राइस? हम तो ना जी, कुछ कम करवाओ कुछ। हम ना खुश बिल्कुल। कितने रुपए बढ़ गए जो पहले थे, आज से 5-7 साल पहले? कितने थे पहले ऐसे, कितने अंकल? 42 रुपए लीटर। 42 रुपए। देखिए, अगर आपको बताऊं तो 5 साल के अंदर में 24 मार्च वो दिन आया जिस दिन सीएनजी के प्राइस फरीदाबाद में सबसे ज्यादा हुए। अगर मैं बात करूं पिछले साल की नवंबर की, तो तकरीबन उस टाइम 65 रुपए जो है वो प्राइस था, और अभी आप देखिए कि आज 76.99 रुपए प्राइस हो गया। एक बार इधर आइए, प्राइस पे दिखाइए, ये देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो 76.99 रुपए जो है वो प्राइस हो गया है। हाँ भैया, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? दिल्ली के मुकाबले बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और 10 रुपए कम ज्यादा है यहाँ पे। 10 रुपए नहीं, 17 रुपए के करीब ज्यादा है वहाँ तो। सुना पता नहीं कितना, 60 रुपए। 60 रुपए कैसे? आज 61 हो गया, आज 61 कर दिया, आज 61 कर दिया, बस। और यहाँ पे, यहाँ तो मत पूछो 80 भी हो जाएगा। मुझे लगता है फरीदाबाद के ऑटो वालों के पास और लोगों के पास ज्यादा पैसे है। हमारे पास तो नहीं, कौन कह रहा हूँ, हमारे पास चल रहे हैं, हमारे पता नहीं आपको 10-10 ऑटो चल रहे हैं हमारे, 100 भी हो जाएगा तब भी चलाएंगे, क्या करेंगे? जो खड़े कर रहे हैं ऑटो पैसे की वजह से लड़ाई हो गई, हमारे लेंगे कैसे कमाएंगे बताओ, कमाई है नहीं, तो ये किराया बढ़ा रहे, वो बढ़ा रहे सीएनजी। नहीं, सरकार तो कहती है हम गरीबों की सरकार है। कहीं ना जी, सरकार गरीबों की, अडानी की सरकार है, देखो जिसका सीएनजी पंप है। किसकी सरकार है? अडानी के, अडानी की सरकार है, अडानी की। और क्या, देखिए आपको बता दूं, अभी अडानी के गैस पंप पे मौजूद हूँ, एक बार और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहेंगे। देखिए, ऑटो वाले खासा परेशान नजर आ रहे हैं, और देखिए सवाल यही उठता है कि गुरुग्राम की अगर बात करूं तो वहां पे 69.17 रुपए जो है वो अभी सीएनजी के रेट है, यहां की बात करूं तो 76.99 रुपए, और दिल्ली की बात करूं तो वहां पे तो 60.81 रुपए। मतलब एक जो अंतर आप देख रहे हैं वो फरीदाबाद में ही क्यों सबसे ज्यादा रेट है, ये एक सवाल बनता है। एक बार जानने की कोशिश करते हैं, उधर देखिए। हाँ जी, उधर लिखा हुआ है अपने मोबाइल फोन कैमरा इत्यादि बंद रखें, आप कैमरे पर ही मोबाइल ले रहे हो, लाइव चल रहा है। एक बार और जानने की कोशिश करते हैं लोगों से ही।
सर क्या कहना चाहोगे सीएनजी के जो रेट बढ़ रहे हैं? सीएनजी का रेट तो इतना बढ़ा दिया आपने कि पेट्रोल और सीएनजी दोनों बराबर कर दिए हैं। बराबर कर दिया है। हाँ, सरकार तो पता नहीं सो गई है कि जाके हमको समझ में नहीं आता है क्या करेगी। देखिए दिल्ली में तो लेकिन अभी 60 रुपए 81 पैसे जो है वो रेट दिल्ली में है ना, हरियाणा में तो नहीं है ना। वही बात है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे तो केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है, वहाँ पे तो आम आदमी पार्टी है, फिर ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है फरीदाबाद में? नहीं, फरीदाबाद का देखिए सौतेला व्यवहार तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन दोनों का टैक्स में अलग अलग हिसाब किताब है, तो टैक्स के हिसाब से जो है काम करना चाहिए। सीएनजी का रेट है तो गवर्नमेंट दोनों एक है, तो दोनों को बैठ करके विचार करना चाहिए कि महंगाई बहुत हाई पावर में पहुंच गई है, कैसे जनता जिएगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए सरकार से हम निवेदन करेंगे कि कृपया हमारी बात को सुने और महंगाई पे कंट्रोल कर रहे, नहीं तो अपनी राज्यसभा सांसद से सब इस्तीफा दे दे, छोड़ के भाग जाए, भाग जाए। देखिए जनता की गुहार, इस्तीफा दे दे। क्या कहना चाहोगे? सीएनजी के रेट फिर से रातों रात 5 रुपए बढ़ गए। अब क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। तो क्या लग रहा है, घर कैसे चलाओगे अगर इसी तरह से रेट बढ़ते रहे तो? भूखे मरेंगे, भूखे मरेंगे। और क्या, सरकार सोचती नहीं है आपके बारे में? नहीं, क्या सोच रही, कुछ नहीं है, कुछ नहीं सोच रही है। मर जाओ, मर जाओगे तो भूखे प्यासे। देख चुनाव लेकिन जब होते हैं उस वक्त तो ऐसे कोई प्राइस नहीं बढ़ते हैं? जब नहीं बढ़ते हैं, उसके बाद में बढ़ते हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं, क्या कहना चाहोगे? सीएनजी के रेट फिर से बढ़ गए हैं जी। बढ़ गए रेट तो जी। हाँ, खुश हो क्या जी? नहीं। हाँ? देखो दिल्ली से तो 17 रुपए ज्यादा मार्जिन है यहाँ पे जी, परेशान है आटम से बहुत ज्यादा जी। हाँ? तो क्या लगता है यहाँ के ऑटो वालों के पास ज्यादा पैसे है? जी नहीं है जी। हाँ? परेशान है जी, बहुत परेशान है जी, बहुत परेशान। दिन पे दिन रात दिन में जी पैसे बढ़ते रहे, 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए बढ़ते रहे जी, कोई मिनट में ना जी। ये बताओ गरीब आदमी कहाँ से करेगा जी, बताओ। तो घर कैसे चलाओगे जी? करे क्या जी, मजबूर चलाना पड़ रहा है जी, करे क्या जी? दो रोटी कर रहे वालों के लिए कर रहे, मीटिंग बना रहे अपने, करे क्या? देखिए हो सकता है अभी कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आएंगे, और जैसा कि अभी एक भाई बंधु ने मेरे कहा कि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर रेट बढ़ते हैं तो, और शायद वैसे ही कुछ अंधभक्त के टाइप के लोग भी अभी कमेंट सेक्शन में आएंगे और कमेंट करेंगे कि रेट बढ़ते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कमाई तो बढ़ी रही है, लेकिन असलियत क्या है वो ग्राउंड पे हम आपको दिखा रहे हैं। जो जनता त्राही त्राही हो रही है, परेशान है, लोग परेशान है, ऑटो वाले परेशान है। एक बार आप भी ऑटो चलाते हैं? सीएनजी के रेट बढ़ गए, क्या कहोगे? क्या कहेंगे, किराया बढ़ाया जाएगा, और क्या कहेंगे, किराया बढ़ाया जाएगा। यस मैम। लेकिन एक बात बताओ, दिल्ली से ज्यादा यहाँ पे रेट क्यों बढ़े? अब छोटे मोटे नहीं, मार्जिन भी बहुत बड़ा है 17 रुपए का। यस जी, दिल्ली से रेट यहाँ बढ़े हैं। ऐसा तो नहीं लगता फरीदाबाद छोड़ के दिल्ली चले जाए? लगता है। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बताओ? ऐसा लगता है कि दिल्ली छोड़ के फरीदाबाद छोड़ के दिल्ली चले जाए? जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा। रेट इतना बढ़ रहा है, इतना रेट बढ़ रहा है, गैस का सवारी देना नहीं चाह रही है 15 रुपए। सवारी का रेट नहीं बढ़ेगा तो कैसे चलेगा? चलिए और लोगों से भी जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इस बारे में। देखिए सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जब तक चुनाव होते हैं तब तक किसी तरह के कोई रेट नहीं बढ़ाती, और अब यूपी चुनाव हो गए हैं और उसके बाद जो है सीएनजी के रेट बढ़ गए हैं। क्या कहोगे, ऐसा तो नहीं लग रहा फरीदाबाद छोड़ के दिल्ली चला जाऊं? दिल्ली का सारे शहर छोड़ने पड़ेंगे, सारे शहर ही छोड़ने पड़ेंगे। और गरीबों के लिए कोई शहर नहीं है ना? सरकार तो है गरीबों के लिए, सरकार तो है, सरकार कर क्या रही है? कुछ नहीं कर रही ना? चलिए और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। एक बार इधर आइए, नीचे करिए थोड़ा। सीएनजी की प्राइस जो है 5 रुपए फिर बढ़ गए, क्या कहना चाहोगे? अब मैडम क्या कहें इसके बारे में, तो सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है, सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है। खुश हो? हाँ बिल्कुल खुश, कोई दिक्कत नहीं हो रही, जेब पे कोई मार नहीं पड़ रही है। अच्छा, दो लाइन सरकार के लिए। सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सरकार है। हाँ, बहुत बढ़िया कर रही है, अपनी जनता के बारे में सोचती है, जनता के बारे में सोचती है। अच्छा, अभी तो 5 रुपए बढ़ाया, 15 रुपए भी बढ़ाएगी तो यही बोलोगे? बिल्कुल यही बोलेंगे, बिल्कुल यही बोलेंगे। देखिए चलिए, ये तो खुश नजर आए, 15 रुपए भी अगर बढ़ते हैं तो भी ये ऐसी खुशी जताने वाले, तो जरा सोचिए इस अंधभक्ति के बारे में कि सरकार से इतना मोह है कि पत्नी के गहने भी बेचने पड़े, बच्चों को भूखा प्यासा भी रखना पड़े, तो भी सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है। एक बार चलते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे, ऊपर रखे कैमरा, वो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। सीएनजी के रेट 5 रुपए और बढ़ गए, क्या कहोगे?
क्या कहेंगे जी, कमाई दमाई है नहीं, गरीब आदमी करेगा तो क्या करेगा। दिल्ली में लेकिन अभी सिर्फ 60 रुपए 81 पैसे ही है। दिल्ली में 60 रुपए है और वहाँ पे अगर जाएं भी तो पुलिस वाले वहाँ पे गाड़ी बंद कर देते हैं। हरियाणा गाड़ी, हरियाणा गाड़ी तो जा नहीं सकती, तो क्या लग रहा है यहाँ हरियाणा गाड़ी छोड़ के दिल्ली गाड़ी ले लूँ? क्या करें मैडम, मजबूरी है, अब गरीब आदमी को पेट तो पालना है, कैसे पालेंगे। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहेंगे। भैया सीएनजी के प्राइस बढ़ गए, शक्ल पे बड़ी शिकन है, क्या कहोगे? क्या बोलूं मैं, रोज के ये बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, ये तो चलता रहता है, सरकार सुनने से तो नहीं राजी हो रही है ना। मुस्कुराहट तो बहुत है चेहरे पर। मुस्कुरा तो क्या करूं, मुस्कुरा क्या करें, जब भी चलना है काम तो करना है मैम, पेट के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। अगर इसी तरह से प्राइस बढ़ते रहे तो घर कैसे चलाओगे? यार कहाँ चल रहा है मैम, आज के डेट में भी कहाँ चल रहे हैं, बाद में तो छोड़ो, अभी तो चल रहा ही नहीं घर। गाड़ी चलाओ, पहले तो पुलिस वाले नहीं बख्श रहे हैं, कभी ट्रैफिक खड़ी है, कभी आईटीओ खड़ा है, कभी कोई खड़ा है, वहाँ देते देते परेशान है। चलिए एक बार और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने बहुत किस्से सुने अडानी के, अंबानी के, और शायद इसीलिए अब जब प्राइस बढ़ रहे हैं तो उन्हें कहने वाला कोई कुछ नहीं है। अरे भैया इधर आओ, सीएनजी के प्राइस बढ़ गए, क्या कहोगे? दुखी है। लेकिन दिल्ली में और गुरुग्राम में इससे कम है, दिल्ली में कम है, तो सरकार से कहेंगे सेम रेट हो क्या? चलिए और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहेंगे इस बारे में। देखिए जनता की अगर आप बात सुन रहे हैं तो कुछ लोग इतने परेशान हैं कि दिल्ली शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। सीएनजी प्राइस बढ़ गए, क्या कहोगे? घटने चाहिए। लेकिन घटने तो चाहिए, लेकिन ये देखो कि अगर मैं वहाँ की बात करूँ दिल्ली की, तो वहाँ आम आदमी की सरकार है, यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी, फिर भी जो है आपके जो प्राइस है वो दिल्ली के मुकाबले ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्या बोलोगे? सस्ती होनी चाहिए, दिल्ली में सस्ती है, यहाँ इतनी महंगी होती जा रही है। महंगी होती जा रही, परेशान हो और क्या? सरकार के लिए 2 लाइन कहना चाहोगे? जी बिल्कुल। क्या बोलिए ना मैं। तो देखिए ये हम पहुंचे अडानी गैस स्टेशन पे, और यहाँ पे हमने लोगों से जानने की कोशिश की, जनता का रिव्यू लेने का कोशिश किया कि वो क्या कहेंगे इस बारे में, जनता अपने इस सौतेले व्यवहार से, जो कि खास तौर पर फरीदाबाद के साथ ही हो रहा है, क्योंकि देखिए दिल्ली की बात करूँ तो वहाँ पे जो मार्जिन है वो ह्यूज है, अगर गुरुग्राम की भी बात करूँ सवाल तो यही उठता है कि गुरुग्राम से भी ज़्यादा रेट क्यों फरीदाबाद में बढ़े हुए हैं। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन सरकार के लिए जो जनता ने कहा उस बारे में भी क्या कहते हैं इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सरकार के वादे निराले, इरादे निराले, लेकिन जो काम है वो आपके सामने ही है। तो ऐसी खबरों के लिए देखते रहे सिटी न्यूज़ 100, मैं काजल चंदेल सिटी न्यूज़ के लिए।